ईद मिलादुन नबी के मौके पर कसौझारी में मोहल्ला कुरेशान के मदरसा बशीर उल उलूम से जुलूस ए मोहम्मद निकाला गया। जुलूस मोहल्ला कुरेशान से होता हुआ हुसैन चौक पर पहुंचा तो वहां पर अंजमन गुलामान मुस्तफा, अंजमन गुलामान पंजतन, अंजमन गुलामान बारिश पाक का जुलूस में शामिल हुआ और अंजमन आशिकान ए मुस्तफा का जुलूस का मोहल्ला कुम्हारन में होता हुआ हुसैनी चौक पर आकर शामिल हुआ। उसके बाद यह जुलूस मोहल्ला कुरेशियान, मोहल्ला पठानों वाला, आजा चौक, भाटो वाला कुआ पर पहुंचा। वहां पर मदरसे के सदर मदारिस कारी जनाब आबिद रजा साहब ने जुलूस को खिताब फरमाते हुए कहा कि यह दिन मुसलमान के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि इस दिन अल्लाह ताला ने अपने हबीब को यानी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। उसके बाद जुलूस मेन मार्केट मोहल्ला महल टीपू चौक होता हुआ दरगाह हजरत शेख दाऊद मियां रहमतुल्लाह आले मैदान में पहुंचा और वहां पर सभा में तब्दील हो गया। पब्लिक को खिताब फरमाते हुए मुफ्ती कासिम रजा साहब ने 12वीं उल अब्बल की फजीलत पर रोशनी डाली और बताया कि अगर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा न करता तो इस दुनिया को खल्क न करता। उन्हीं की पहचान कराने के लिए इस पूरी कायनात को अल्लाह ने बनाया। जुलूस के बाद सलातो सलाम हुआ और मुफ्ती कासिम रजा साहब ने दुआ कराई। उसके बाद जुलूस मदरसा बशीर उल उलूम पहुँच कर समाप्त हुआ। जुलूस में कैबिनेट मंत्री मानेका मलकर बिना किसी सिक्योरिटी के आवाम के बीच में उतरे, जिसके लिए लोगों ने उनकी सराहना की और वह जुलूस में काफी वक्त तक हजरत शेख दाऊद रहमतुल्लाह आले की दरगाह तक जुलूस में साथ साथ रहे। लोग हाथों में हरी झंडी लिए हुए थे और नारा ए तकबीर और नारा रिसाला की सदाएं बुलंद कर रहे थे। जुलूस में अंजुमन गुलाम आने मुस्तफा की जानिब से ऊंट शामिल किए गए जो बच्चों के कोतवाल का केंद्र रहे और लोगों ने आकर्षण का केंद्र बने जुलूस मदरसा बशीर उल उलूम की प्रिंसिपल के नजर में निकाला जाता है। और अंजुमन गुलामान मुस्तफा रजिस्टर्ड, अंजुमन यंग गुलामान ए मुस्तफा, अंजुमन फैजान मुस्तफा, अंजुमन गुलामान, अंजुमन गुलामान बारिश पाक, अंजुमन रजा, अंजुमन गोसे रजा, अंजुमन गुलशन ए मदीना आदि अंजुमन ए इसमें अपना सहयोग देते नजर आए और यह नगर का एक बहुत बड़ा जुलूस था जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हुए नजर आए और उनका मानना है कि जुलूस निकालकर यह बहुत बड़े शवाब और पुण्य का काम करते हैं। जुलूस में मुख्य रूप से मुफ्ती कासिम रजा, शहाबकारी आबिद रजा, कारी मोहम्मद फहीम और कैबिनेट मंत्री मानेका मलकर, कैबिनेट मंत्री मानेका मलकर के प्रतिनिधि नदीम चौधरी, अलाउद्दीन सैफी, रहीस कुरैशी, लई कुरैशी, दिलशाद अहमद, बबलू चौधरी, जफर सलमानी, साकिर मसूदी, रईस इरशाद सलमानी, मेराज अली वगैरह मौजूद रहे। जुलूस को संबोधित करते हुए मुफ्ती कासिम रजा ने कहा, इतना है, इतना जोर नहीं दिया बल्कि जोर ये दिया कि जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो तो उनका जश्न मनाओ, उनकी खुशियां मनाओ, उनकी नेमत का जिक्र फरमाओ। यह मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नेमत, अल्लाह तबारक तआला की ये नेमत है कि इस नेमत को खूब जिक्रो, इस नेमत का खूब चर्चा करो, इस नेमत को खूब याद करो, इस नेमत में खूब खुशी मनाओ। आइए इस खुशी को किसने मनाया। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने इस जश्न को मनाया। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वइदा खदा रब्बुक मिन बनी आदम, ये अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात में रसूल कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाने का इरादा फरमाया। जुलूस को संबोधित करते हुए कारी आबिद रजा ने कहा, नया नाम बताओ। दोस्तों मेरे कहने का मकसद ये है, जब हमारे मुआशरे में कोई बच्चा पैदा होता है तो हम ही उसका नाम रखते हैं, उसका बाप उसका नाम रखता है, उसकी माँ उसका नाम रखती है, उसकी फूफी उसका नाम रखती है या उसका दादा या दादी उसका नाम रखते हैं। दोस्तों जो भी बच्चा होता है अगर मुआशरा अच्छा पढ़ा लिखा है तो नाम बमाना अच्छा रख देते हैं। और अगर यूं ही दोस्तों अगर दुनिया के हालात से दो चार होके आज मुसलमान दुनिया की तरफ ध्यान करता है तो ना जाने क्या क्या नाम रख देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। दोस्तों मैंने एक आदमी से पूछा, उसके साथ एक आदमी के बच्चा था, मैंने कहा तेरे बच्चे का नाम क्या है, उसने कहा मैंने इस बच्चे का नाम बुधुआ रख दिया है। मैंने कहा बुधुआ, अरे जिसका कोई माना नहीं बुद्धू नाम रख दिया। उसने कहा मौलाना इसलिए रख दिया है कि अगर अच्छा नाम रखते हो सके अल्लाह को प्यारा हो जाता, बुधुआ है रब सोचेगा पड़ा रहने दो। दोस्तों ऐसे ऐसे जैन के लोग भी हैं। एक और इंसान मेरे सामने आया, वो भी अपने बच्चे को साथ लाया। मैंने पूछा तेरे बच्चे का नाम क्या है, उसने कहा मैंने अपने बेटे का नाम गुलाम घोष रखा है, गुलाम घोष रखा है। मैंने कहा तूने अपने बच्चे का नाम गुलाम घोष क्यों रखा है, तूने क्या समझ के रखा है। उसने कहा मौलाना मैंने अपने बच्चे का नाम गुलाम घोष इसलिए रखा है कि हो सकता है मेरा बच्चा जवानी की दहलीज पे कदम रखते रखते मैं दुनिया में ना रहूं, मैं बच्चे की जवानी ना दे सकूं, मैं बच्चे के
और जवानी की चलती हुई जवानी न दे सकूं। मैंने अपने बच्चे का नाम गुलाम घोष रख दिया है, इसलिए कि अगर मैं ना भी रहूं, मैं दुनिया में रहूं या ना रहूं, मेरे बेटे का नाम ये बताता रहेगा कि उसके बाप का अकीदा क्या था,